हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल शिवा फार्मासिस्ट। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों डायरिया के कंप्लीट ट्रीटमेंट के बारे में, और इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि आपको ओरल में क्या लेना है और इंजेक्टेबल में क्या लेना है, सब कुछ बताएंगे। तो वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिए। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही फ्री में मेडिसिन का रिव्यू और हेल्थ टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए अभी हमारा इस चैनल यानी शिवा फार्मासिस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर टैप कर देना। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, ये जो डायरिया है वो होता क्यों है और क्या है। दोस्तों, जैसे कि अगर किसी का खाने पीने में कुछ गड़बड़ी होता है या फिर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, तो इसके लिए क्या होता है कि आप जो भी खाना खाते हो ये बॉडी में सही से पच नहीं पाता है, और वो क्या होता है वाटर के साथ मिलके मतलब लूज मोशन के हिसाब से बाहर निकल जाता है। और अगर ये कंटिन्यू होता है, मतलब दिन में 5-6 बार ऐसे हो जाता है, और इसके साथ साथ आपको उल्टी आता है, पेट में दर्द होता है, ऐसा कुछ होता है, तो ये सब जो है डायरिया का सिम्टम्स होता है और इसको ही डायरिया बोला जाता है। तो अगर किसी को डायरिया है तो आपको क्या क्या करना है मैं बताता हूँ, मतलब कौन सा मेडिसिन लेना है मैं बताता हूँ। लेकिन हाँ, कोई भी मेडिसिन लेने से पहले अपने डॉक्टर से आप जाके मिलिए ताकि वो आपके जो भी डिजीज के हिसाब से आपको प्रेस्क्राइब करे। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये एक फार्मेसी स्टूडेंट और मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए बना रहा हूँ ये वीडियो, और ये इसको जो है मरीज भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर के सलाह के अनुसार लेने से आपका ही मतलब बहुत ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि बहुत लोग ये बोलेंगे कि भाई अगर डॉक्टर के सलाह से ही लेना है तो तुम्हारा वीडियो क्यों देखे। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको तो बता दूंगा कि कौन सा मेडिसिन लेना है, लेकिन डोज जो है दोस्तों ये डॉक्टर ही सही से बता सकते हैं आपको कि आपके कंडीशन के हिसाब से कैसा डोज आपको लेना चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जैसे कि मैं आपको बताया कि यहाँ पर आपको बहुत सारा मेडिसिन मैं बताने वाला हूँ, तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो भाई गैस्ट्रिक का मेडिसिन लेना होगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मेडिसिन लेने वाले हो। तो इसके लिए आप गैस्ट्रिक का कोई भी गैस्ट्रिक का मेडिसिन ले सकते हो, और वो भी सुबह खाली पेट एक ले सकते हो, ठीक है। चाहे आप ओमेज ले लो, चाहे आप रेंटिडिन ले लो, ठीक है। और अभी जैसे कि आपका गैस्ट्रिक का मेडिसिन ले लिया आपने, और अगर किसी को डायरिया के वजह से क्या होता है, जैसे कि मैं बताया कि वोमिटिंग भी होता है, मतलब उल्टी होता है, अगर आपको उल्टी वगैरह है तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर डोमपेरिडोन का टैबलेट या फिर आप ओंडेस्टेरोन का टैबलेट भी ले सकते हो गैस्ट्रिक के साथ साथ, और वो भी खाली पेट। जैसे कि डोमपेरिडोन का बात करेंगे तो डोम डीटी आता है, और ओंडेस्टेरोन का बात करेंगे तो ओंडेम एमडी 4 आता है। और भी अलग अलग ब्रांड है, आप जो भी आपके पास है आप उसको ले सकते हो। और ये क्या कर रहे हैं दोस्तों, सुबह शाम एक एक खाली पेट लेना है। दोस्तों, सुबह शाम एक एक, जैसे कि गैस्ट्रिक तो आप सिर्फ एक बार लिया सुबह, लेकिन ये जो डोमपेरिडोन या फिर ओंडेस्टेरोन में से कोई एक लेना है, दोनों नहीं लेना है, डोमपेरिडोन या फिर ओंडेस्टेरोन में से, तो इसमें से सुबह शाम एक एक आपको लेना होगा, ठीक है। ये हो गया सुबह का, और यह हो गया आप खाली पेट क्या खा रहे हो। और खाना खाने के बाद आपको लोपेरामाइड टैबलेट लेना है। दोस्तों, लोपेरामाइड टैबलेट डायरिया के लिए एक रामबाण टैबलेट है, और अगर आप ये टैबलेट 2-3 दिन तक लेते हो खाना खाने के बाद, तो फिर आपका डायरिया बहुत मतलब सही तरीके से कम हो जाएगा, बहुत जल्दी कम हो जाएगा। तो दोस्तों, लोपेरामाइड को डॉक्टर कभी कभी 2 टैबलेट एक साथ भी लेने के लिए सलाह देते हैं, या फिर आप दिन में एक एक टैबलेट भी ले सकते हो। अभी बात करेंगे दोस्तों, लोपेरामाइड लेने के बाद आपको नॉर्फ्लोक्स टीजेड या फिर जेनफ्लोक्स ओजेड जो एंटीबायोटिक होता है, दोस्तों हमें एंटीबायोटिक लेना होगा, एंटीबायोटिक लेने से ही ये कम होगा, तो इसलिए हम नॉर्फ्लोक्स टीजेड या फिर जेनफ्लोक्स ओजेड। नॉर्फ्लोक्स टीजेड में क्या होता है, नॉर्फ्लोक्सिन और टिनिडाजोल होता है। जेनफ्लोक्स ओजेड में क्या होता है, ऑफ्लोक्सासिन और ओनिडाजोल होता है। इसमें से कोई एक ही लेना है, ऐसा नहीं कि दोनों ही ले लिया, किसी एक तो आप नॉर्फ्लोक्स टीजेड ले सकते हो या फिर जेनफ्लोक्स ओजेड ले सकते हो। नॉर्फ्लोक्स टीजेड मेरे हिसाब से जेनफ्लोक्स ओजेड से थोड़ा सा जल्दी काम करता है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है, मैं आगे चल के बताऊंगा। तो दोस्तों, इसको आपको कैसे लेना है, आपको सुबह शाम एक एक टैबलेट लेना है, और वो खाना खाने के बाद। दोस्तों, अगर आपका डायरिया के वजह से किसी का पेट में मरोड़ हो रहा है और या फिर पेट में दर्द हो रहा है, तो इसको साइक्लोपैम टैबलेट दिया जाता है, या फिर आप ड्रोटिन एम टैबलेट दिया जाता है जो कि डोट्रावेरिन होता है। तो दोस्तों, इसमें से कोई एक टैबलेट दिया जाता है सुबह शाम एक एक खाना खाने के बाद। अभी बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर अगर किसी को डायरिया है तो इसको पूरे मतलब फुल डे ओआरएस दिया जाता है। ओआरएस क्यों दिया जाता है अभी बताता हूँ। जैसे कि डायरिया होने के वजह से आपके बॉडी से लिक्विड चला जाता है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है, और इसके साथ साथ आपके बॉडी में पानी का कमी हो जाता है। तो इसके वजह से क्या होता है, आपको दिन भर थकान लगेगा, सर चकराएगा, और आप कोई काम नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए ये जो पानी के कमी को दूर करने के लिए ओआरएस चलाया जाता है। और इसके साथ साथ दोस्तों, जी डॉट जो कैप्सूल आता है दोस्तों, जो कि हम बोलते हैं
रासेका डोट्रिल जो कैप्सूल आता है वो 100 mg वाला, इसको भी दिया जाता है सुबह शाम एक एक गोली दिया जाता है। अगर किसी का मतलब आप बोल सकते हो वेट 50 kg से ज़्यादा हो तो उसको 100 mg दिया जाता है, और अगर किसी का आप बोल सकते हो कि वेट अगर 30-40 kg से कम है तो इसको 50 mg तक दिया जाता है, और ये डॉक्टर के हिसाब से दिया जाता है दोस्तों, ऐसा आप खुद नहीं ले सकते, ये एक शेड्यूल हेल्थ का मेडिसिन है। तो इसको देने से क्या होता है दोस्तों, आपके जो बॉडी में पानी का ऑब्जर्वेशन जो है बढ़ता है, और इसके क्या होता है कि आपका जो थकान लगता है आपका पानी के कमी के वजह से बॉडी का, या फिर आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रोलाइट का जो कमी के वजह से जो थकान लगता है इसको भी कम करता है, और इसके साथ साथ अगर लूज मोशन को भी कम करने में मदद करता है, ठीक है। तो ये सारा मेडिसिन आपको लेना पड़ेगा, और इसके साथ साथ अगर किसी को इंडाइजेशन के वजह से डायरिया है तो आपको यूनि एंजाइम जैसे टैबलेट मिल जाएगा, एरिस्टोजाइम जैसे टैबलेट मिल जाएगा, इसको 5 दिन तक दिया जाता है दोस्तों सुबह शाम, और इसके साथ साथ आप प्रीबायोटिक या प्रोबायोटिक का कोई भी मतलब टैबलेट ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आपको बीवैक्ट कैप्सूल आता है दोस्तों, इसको भी सुबह शाम आप ले सकते हो, ये ऑप्शनल है, ये डॉक्टर के हिसाब से आपको दिया जाता है। अभी मान लीजिए कि कोई छोटा बच्चा है और उसको भी डायरिया है तो उसको तो हम टैबलेट नहीं दे सकते, तो उसके लिए O2 सिरप आता है दोस्तों, ये 5 ml का सिरप आप दे सकते हो सुबह शाम 7 दिन तक, और इसके साथ साथ आप जिंक का सिरप दे सकते हो या फिर जिंक के ड्रॉप्स दे सकते हो छोटे बच्चे को, क्योंकि अगर किसी का बॉडी में जैसे कि मैं बताया कि इलेक्ट्रोलाइट्स का कम हो जाना, पानी का कम हो जाना, तो इसके लिए तो हम G-DOT टैबलेट जैसे कि मैं बताया जो कि अडल्ट के लिए है, लेकिन छोटे बच्चे को तो वो नहीं दिया जाता है, तो इसके लिए आप जिंक का सिरप दे सकते हो 14 days तक, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है दोस्तों आप डायरिया के, अब जो मैं ओरल का बताया तो ये सब आप ओरली दे सकते हो, मतलब इसको खाने के लिए दे सकते हो, ठीक है। और अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, ध्यान से सुनिए, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो इसको हम नटफ्लोक्स टीजेट नहीं देते हैं, क्योंकि इसमें साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा करता है, जैसे कि मैं बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में ही, मैं बताऊंगा आगे चल के कि नटफ्लोक्स टीजेट अगर आप प्रेग्नेंसी लेडी को या फिर छोटे बच्चे को भी नहीं दिया जाता है दोस्तों नटफ्लोक्सिन का, तो इसके लिए आपको एक सैचेट मिलता है दोस्तों, इकोनॉर्म सैचेट, तो इसको दिया जाता है दोस्तों पानी में घोल के आप दे सकते हो, तो ये भी बहुत अच्छा काम करता है डायरिया को रोकने के लिए। अभी बात करेंगे दोस्तों, ये तो मैं सब टैबलेट वगैरह बता दिया, अभी इंजेक्शन का बात करेंगे, तो इंजेक्टेबल में जैसे कि मैं बताया अगर नॉर्मल डायरिया है तो आपको ओरली में अच्छे से अच्छे मतलब सही हो जाएगा, सिर्फ 7 दिन का ही मैं जितना भी डोज बताया सब 7 दिन तक आपको लेना होगा मैक्स टू मैक्स, इसमें अच्छा हो जाता है, नहीं हुआ तो फिर आपको इंजेक्शन भी लगाना पड़ सकता है दोस्तों। तो इंजेक्शन में क्या होता है कि आपको एंटीबायोटिक इंजेक्शन जैसे कि जेंटामाइसिन या फिर एमिकासिन में से कोई एक इंजेक्शन ही लगाना है, और ये जो है आपको IV लगाना है, सुबह शाम लगा सकते हो, और ये जेंटामाइसिन का जो है 80 mg का इंजेक्शन लगा सकते हो या फिर एमिकासिन का 500 mg का इंजेक्शन आपको डॉक्टर लगाते हैं दोस्तों। और इसके साथ साथ अगर डायरिया का वजह से जैसे कि मैं बताया कि पेन भी होता है तो यहाँ पर आपको डाइसाइक्लोमिन या फिर डाइक्लोफेनाक इसमें से भी कोई एक इंजेक्शन लगाया जाता है, और अगर किसी को मान लीजिए कि उल्टी होता है तो ओंडेस्टेरम का भी इंजेक्शन लगाया जाता है जो कि फेमस है, एमसेट 2 ml आता है दोस्तों, ये जब होता है तभी मतलब जब जरूरत होता है तभी लगाया जाता है दोस्तों। और अगर किसी का जैसे कि मैं बताया कि पानी के कमी हो जाना, इलेक्ट्रोलाइट के कमी हो जाना, अगर ऐसा बहुत ज़्यादा ऐसा सीरियस कंडीशन में है तो उसको NS DNS या फिर RL लगाया जाता है, बेसिकली RL ही लगाया दिया जाता है, और ये 500 ml लगाया जाता है दोस्तों, जब तक डॉक्टर के हिसाब से ये लगाया जाता है कितने दिन तक लगेगा। तो बस यही सब था दोस्तों डायरिया के कंप्लीट ट्रीटमेंट के बारे में, और मैं थोड़ा सा स्पीड बताया आपको क्योंकि बहुत सारा मेडिसिन था। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कोई भी मेडिसिन का यूज करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछ के ही यूज करना है। पूरे वीडियो वॉच की इसलिए बहुत बहुत